अतरगीब व तरहीब जल्द नंबर तीन में हमारे आकाशल का ये फ़रमान है ये भी नहायत अहम हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तुन से मरवी है कहते हैं कि रसूल पाक सल वम ने इशाद फरमायान खला सेवा अल्लाह की बंदों में से एक मखलू कैसी है इंसानों में से इंसानों में से अल्लाह तला की एक मखलू कैसी है यानी एक तो मुतलकन है वाखल इल्ला वालबदून फिर उन इंसानों में से कुछ को रब ने पैदा इसलिए किया कि ये दीन पढ़ें पैदा इसलिए किया कि दीन पढ़ाएँ और जरूरी नहीं कि जिस मकसद के लिए पैदा किया हो अगला जो है वो उस पर कैम भी रहे बहरहाल कुछ लोगों की वजह ही इसलिए है उनकी तखलीक ही इसलिए है कि वो ये काम करें इस हदीस शरीफ में यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों की मेरी उम्मत में से वजह इसलिए है उन्हें पैदे किस लिए किया गया है खाला काम हो जिन्ना से रब ने उनको पैदाई लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए किया है वो पैदाई इसलिए हुए हैं ले हवाए जिन नाज लोगों की हाजात पूरी करने के लिए अब ये भी एतक़ादी तौर पर वो अकीदा तोहीद में भी यानि होए जिन्नास अब एक फ़िरका वो ऐसा है जिनके नज़दीक किसी बंदे का हाजत पूरी करने वाला होना ये लफ्ज़ बोलने से बंदा मुशरक हो जाता है कि हाजतें तो अल्लाह पूरी करता है तो तुमने बंदों में हाजत रबा बनाए हुए हैं तो हदीस बताती है कुछ बंदे रब पैदा ही इसलिए करता है वो होते ही दाता हैं अब फतवा किस चीज पे लगाएंगे ले हवा जिन्ना से कि वो लोगों की हाजतें पूरी करें वो अल्लाह ने पैदा ही उनको इसलिए किया कि वो लोगों की हाजतें पूरी करें अब जाहरी ज़िंदगी में यानी उनकी तबीयत है वो आ, सोशल वर्कर हैं जिसका जो कुछ कहीं हो वो पहुंच जाते हैं वहाँ तावन शुरू कर देते हैं कुछ लोगों को अब वो कौन हैं वो कहाँ हैं ये येदा है लेकिन एक तबका हर ज़माने में ज़िंदा लोगों में भी ऐसा है कि जिनको रब ने पैदा ही इसलिए किया है तख्लीक अल्लाह के काम बिलगराज नहीं होते गर्ज़ें अल्लाह के शान शान नहीं हैं लेकिन हमतें ज़रूर हैं कि अल्लाह ने उनको पैदा इस हमत के लिए किया है किस के लिए हवाए जिन्ना से लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए तो फिर सरकार फरमाते हैं यफ़ उनम फी हवाए जिम जो आजतमंद है वो उनको पहचान भी जाते हैं यफ्ज उन ना लोग घबरा के उनके पास जाते हैं ये है यफ़ज़ाउ। बड़ी घबराहट में उनके दरवाजे पे पहुँचते हैं बड़े सताए हुए मुश्किल में फंसे हुए घबराए हुए अब जाहिरी तौर पर मुआशरे में और बातनी पौर पर दाता साहब जैसे लोग मैं फी हयाती युस्तमदादा वफ़ाती ही यानी अगर ये वसफ़ होना शिरक होता तो फिर ज, ए, सिर्फ फ़ौज शुदा अल्लाह के शरीक मानना जुर्म है ज़िंदों में भी शरीक मानना जुर्म है तो फिर तो जिंदों को भी ये शाना दी जाती कि ये मुश्किल हल करने वाले लोग हैं और यफ़ उन नाशो इम लोग घबरा के के और कोई सहारा नहीं रहा अब यही सहारा है यानी ज़ाहरी तौर पर दुनिया में कुछ लोग हवाज नाश के लिए पैदा होते हैं अल्लाह की तरफ से फिर लोग यफजनासिम उनकी तरफ घबराहट में लोग जाते हैं इनको क्या मिलता है ये जो इस तबके के लोग हैं यानी वो आते जाऊँ उनकी तो मुश्किलें हाल होती हैं इनको ख़ुद क्या मिलता है तो मेरे सलाम फ़रमाते हैं उलाकल आमिन आज़ाबल्ल इन को ये संद मिलती है कि अल्लाह इन कभी आज़ाब नहीं देगा ज़ाबिल्ला ये मामून रहेंगे इन्हें आज़ाब नहीं होगा अब यह ज़रूरी नहीं कोई दीन हो कोई अफज क़ुरान हो दुनिया में बज़ाहिर उसका शोभा दुनियादारी है वो किसान है वो काश्तकार है कोई दुकानदार है कोई मज़दूर है कोई लोग ये समझते हैं कि ये मुश्किल हल करवा सकता है यानी दुनिया के लिहाज से और कुछ लोगों को रब ने पैदा ही इसके लिए किया होता है उनके घर वाले झगड़ते रहते हैं अपने घर ये सारे काम पड़े तू रोजाना कभी किसी के पास गया होता है कभी किसी के पास कभी किसी की मुश्किल हल करने के लिए तो उनको पैदा ही इसलिए किया गया है और उनको क्या मिलेगा फरमा फिर लोग भी उन्हें जान जाते हैं यानी अल्लाह दिलों में तारुफ डाल देता है रोग उनको पहचान जाते हैं कोई दूसरे शहर जा जाता है कोई तीसरे शहर से कोई मोहल्ले से इन्हें मिलेगा क्या दुनिया में अगरच उनका अच्छा मकान ना हो अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा खुला कारोबार ना हो लेकिन इनको ये डिग्री मिल गई है कि इन्हें अजाब नहीं होगा इनको अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं।, नहीं होगा अब ये हो सकता है कोई छोटे दर्जे का हो कोई बड़ा हो यानी इनकी कैटेगरीज कई हो सकती हैं यानी एक ऐसा है कि जिसकी तरह घबरा के साल में पांच बंदे आते हैं एक वो है कि एक दिन में पांच हज़ार आ जाते हैं यानी आगे दरमियान में और ऊपर नीचे तबके दर्जे कई हो सकते हैं लेकिन कुछ बंदे मखलूक में हर ज़माने में ऐसे हैं कि जिनको पैदा ही लोगों की हाजात पूरी करने के लिए किया गया है और ख़ुद भी उनके दिल में ये पहचान होती है इसलिए अपना छोड़ के किसी के लिए चल पड़ते हैं और फिर लोगों को भी उनकी पहचान हो जाती है और उनका दर्जा मुआरे में क्या है कि दूसरों के फैसले तो जाके बाद में होंगे इनके लिए ये फैसला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ये उलाकल आमिन ये अल्लाह के आदाब से मामून कौन सा और दीन है जिसमें इतनी तरगीब हो खल के खुदा के साथ तान करने की इंसानी खिदमत की इंसानी जज्बे की मोमिनीन के हालात और दुख सुख में शरीक होने के लिहाज से जितना के इसमें मौजूद है जो हमारा दीन है